उसको टैकल करने के तरीके मुख्तलिफ होंगे। देख रहे हैं कि कोई सलूशन नहीं निकला तो थोड़ा सा टाइम गेन करें। लेबर को तो आप 25,000 जो गवर्नमेंट ने कहा वही दे दें, बड़ी बात है। दूसरी बात यह है कि कल्चर के किस फैक्टर को चेंज करना चाह रही हैं। लेबर कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल काम है। जो आपको हुकूमत कह रही है आप वो चीज़ें तक पूरी करके दे नहीं रहे, वो उस वक्त करेगा आपकी मर्जी के मुताबिक काम जब उसको बेनिफिट्स ऐसे देंगे जो दूसरा उसको ऑफर ना कर रहा हो। अच्छा, हमने कल डिस्कस ये किया था कि हम आज एक बुक आई थी आपको, पढ़ी है किसी ने? हाँ, अच्छा जी, कुछ तो देखा होगा। चलो वो काम आएगी कभी आपके, जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो उस वक्त आपके काम वो आएगी। अच्छा, दूसरा मैंने ये कहा था कि हम कुछ केस स्टडीज़ आज डिस्कस करेंगे आपकी कंपनीज़ के। उस पर कुछ काम किया, कुछ सोचा, कुछ प्लान किया कि हम क्या डिस्कस करेंगे आज? कितने लोगों ने? अच्छा, 2-3 और 4, 4 लोगों ने। तो आ जाएं फिर बताएं। क्या इशू फेस कर रहे हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम में? ये हमारा जो सिस्टम है मीन के वो मैनुअल चल रहा है, हम सिस्टम पे नहीं है। मैनुअल शीट्स होती हैं जो एंड ऑफ ईयर हर डिपार्टमेंट हेड जो है उसको दे दी जाती हैं एचआर की तरफ से। तो वो उसको फिलअप करके अच्छा जी भेज देते हैं। ठीक है, तो और उसमें जो मेन इश्यूज आ रहे हैं वो यही आ रहे हैं कि उसमें क्वालिफिकेशन का है 10 पॉइंट्स का। तो जो लेबर तबका यानी कि जो वर्कर क्लास है उनको वो माइनस में जाते हैं, मीन के वो बेचारे लो कैडर में रह जाते हैं उसका। अच्छा, क्वालिफिकेशन की वजह से, क्योंकि मोस्टली जो है वो इसमें मीट नहीं खा रहे होते। अच्छा जी, और तो एक तो ये होता है, सेकंड ये है कि उन्होंने कोई ऐसा ख़ास पैमाना। अप्रेजल सिस्टम कौन सा सर? जस्ट उनके JDs के हिसाब से, मीन अगर सेल्स है तो उसका हमने अलग बनाया हुआ है, अकाउंट्स का अलग बनाया हुआ उनके हिसाब से। सिस्टम को कहते क्या है? कल हमने जो देखा था वो देखा था 360। ठीक है, इसके अलावा कौन कौन से होते हैं सिस्टम्स? वो भी हमने कल डिस्कस कर लिया था। और MBO क्या होता है? ऑब्जेक्टिव्स आपने दे दिए और उनको रिव्यू करते रहे आप 3-3 माह 4-4 माह के बाद, और इन द एंड ऑफ द ईयर आपने उसी के ऊपर रेटिंग सिस्टम पे आके आपने उसको कैलकुलेट कर लिया। जी। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि पाकिस्तान में नहीं है अभी, सैप पे आपके हर चीज़ कंप्यूटराइज्ड है, आपकी अटेंडेंस वहाँ से लिंक हो रही है परफॉर्मेंस के साथ, आपकी प्रोडक्टिविटी लिंक हो रही है आपकी परफॉर्मेंस के साथ, आपने अपने सिस्टम के ऊपर कितना क्वालिटी टाइम स्पेंड किया है, आपने कितना परफॉर्म किया है, आप वो सारी प्रोडक्शन में अगर आप हैं, आप सेल्स में हैं, हर चीज़ आपकी लिंक हो जाएगी उस सॉफ्टवेयर के साथ। वो 40-50 करोड़ उसके ऊपर लगता है अगर आप उसको पूरा सही मानों में इंप्लीमेंट करते हैं। यहाँ पाकिस्तान के अंदर ये अभी नहीं चल रहा। अब बताएं आगे चलें। तो सर अभी वही मैनुअल सिस्टम, मीन हम जैसे उनको फॉर्म्स देते हैं मैनुअल सिस्टम। अच्छा ठीक है, मैनुअल सिस्टम होना कोई प्रॉब्लम तो नहीं है सर? वो सही तरह इंप्लीमेंटेड हो उसमें सर यही ये एक अलग बात है सही तरह इंप्लीमेंट होने की। मैनुअल या सिस्टम, अगर सिस्टम भी सही तरह इंप्लीमेंट नहीं है तो फिर उसमें भी प्रॉब्लम होगा। तो मैनुअल सिस्टम होना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समझता कि ये प्रॉब्लम है सर? उसमें हम कुछ टाइम टेकिंग है जस्ट, वो ठीक है आपका, आपकी वो थोड़ा सा कम, थोड़ा सा एनालाइज करना मुश्किल हो जाता है उनमें के काफी सारे होते हैं, तो सारा मैनुअल जो है या तो वन बाय वन उसको शीट चलें। और इसके अलावा आपने क्वालिफिकेशन का कहा है? जी सर, क्वालिफिकेशन का कि वो काफी जो है ना बंदों को कैडर बना दें। आप लेबर कहते हैं, लेबर की आपको जरूरत नहीं है अगर उनकी तालीम की तो ना रखिए उसके अंदर। आप कहते हैं कि मेरे पास एक जो ग्रेजुएशन किया हुआ बच्चा या बच्ची है वो उसका क्राइटेरिया रख दें, एक उसके क्राइटेरिया के अंदर बता दें कि जनाब आपके जो है वो जो मैं आपको करियर पाथ दे रहा हूँ वो मैं 5 साल तक तो आपको चला सकता हूँ, लेकिन उसके बाद मुझे मास्टर्स चाहिए या MPhil चाहिए। सही,
अगर आप समझते हैं कि उसकी ज़रूरत नहीं है तो फिर उससे वो शिख हटा दें और उसको आप इम्प्रूव करते चले जाएं, उसको एक प्रमोशन का एक प्लान दे दें उसको। सही, क्योंकि सर होता ही है कि अगर 68 या इससे बिलो हो तो वो 8-9% सर मतलब एक 68 क्या परसेंट अगर उसकी ओवरऑल आ जाए ना रेटिंग, तो उस पर हम उसको देते हैं मीन के 9% तक। अगर वो 68 प्लस हो जाते हैं 70 या इसको टच करते हैं तो वो फिर 10% पे आ जाते हैं। सेम है कि 75 एट्रीब्यूट्स आपने जो सेट किए हुए हैं बेसिकली वो एट्रीब्यूट्स आपके रीडिज़ाइन होने वाले हैं, रीविजिट होने वाले हैं। सही, आपने सबसे पहले जो आइडेंटिफाई करना है वो क्या करनी है चीज़ आइडेंटिफाई? सर यही उनके के कौन से मतलब उसको होने चाहिए उसकी शीट में, नहीं होने चाहिए नहीं थी? उससे पहले भी क्या करना है, आपने कल बात की थी हमने, किन बेसिस पे आप परफॉर्मेंस जॉब डिस्क्रिप्शन जी सर वो बनाई है? वो बनी हुई है सर। बनी हुई है जी सर। उसके वो जॉब डिस्क्रिप्शन आपको बता रही है कि टेक्निकलिटीज कितनी इन्वॉल्व है उसके अंदर? सही सर। क्वालिफिकेशन कितनी इन्वॉल्व है उसके अंदर, होता है क्लियर या नहीं होता, होता उससे? जब वो क्लियर हो गया तो वो चीज़ें जो आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है उसमें से माइनस कर दें, मार्क्स दे दें उनको, माइनस कर दें उसमें से। ठीक है। और इसके अलावा बस ये और नेक्स्ट प्रॉब्लम आता है वो प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा, यानी कि लास्ट लास्ट मंथ के अंदर जब आप अपने अप्रेजल फॉर्म के अंदर निटिगिटी सारी ऐड कर लेंगे, जैसे मैं कहता हूँ कि जो एचआर ने चीज़ें कैलकुलेट करनी होती हैं वो कौन सी होती हैं, एक एचआर है और एक एचओडी है, एचआर ने कौन सी चीज़ें कैलकुलेट करनी होती हैं? परफॉर्मेंस के अंदर, एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस के अंदर एचआर का रोल किस किस चीज़ के अंदर होता है? वो मुझे वो उसके एट्रीब्यूट्स बताएं क्या होंगे, मुझे उस उन फंक्शंस के नाम बताएं। ठीक है, क्वालिफिकेशन स्किल्स नहीं आप बता सकेंगे, वो इधर आएंगी। और ठीक है, और अटेंडेंस, बिहेवियर, कम्युनिकेशन दोनों तरफ आएगा वो। ठीक है, आपको एक्टिव ये कर देंगे। अच्छा, अब जब आप अपना एक फॉर्म डिजाइन कर रहे होते हैं अप्रेजल का, उसमें क्या क्या चीज आती है? एक फॉर्म आप डिजाइन कर रहे हैं, एचआर एचआर ही डिजाइन करता है ना, उसमें क्या क्या आएगा? हम एक जेनेरिक बात कर रहे हैं, मैं किसी स्पेसिफिक जॉब की बात नहीं कर रहा, एक कोई जनरल आप उठा लें, आप फॉर्म में मतलब उसके कंपनी ओवरव्यू, वो कंपनी के बारे में कितना जानता है? अच्छा ठीक है, यस ठीक है, सर पूरे की पॉइंट्स पूछ रहे हैं या हाउ? मैं पूरे की पॉइंट्स पूछ रहा हूं। फिर सर क्रेडेंशियल आएंगे तो पहले तो क्राइटेरिया, जो इंट्रोडक्शन के बाद क्राइटेरिया आना चाहिए कि अगर लेट्स सपोज आपने एस रखा है ई तक या 1 से 5 तक रखा हो गया, आना ही आना है आगे। और तो ड्यूरेशन मेंशन हो गया कि किस तरह से हो गया, एक साल का होता है मोस्टली बता दिया आपने। और उसके बाद स्प्लिट है कि कितने परसेंट जो है वो एचओडी और कितने परसेंट जो है वो एचआर जो है 30-70। यस ठीक है, ये समझ आ रहा है, क्लियर हो रहा है? हम फॉर्म बना रहे हैं, फॉर्म हम क्यों बनाने की तरफ आए हैं, हम इसलिए बनाने की तरफ आए हैं कि हम क्या चीज़ मिस कर रहे हैं जिसकी वजह से 1 मंथ हम उसके ऊपर वो ओवरशैडो कर गया। यानी मैं ये क्यों आपको बता रहा हूँ, ये मेरे आज के उसके हिस्सा नहीं था कि मैं इस पे बात करूँ, लेकिन इसलिए बात कर रहे हैं कि जब हमारे फॉर्म के अंदर अप्रेजल फॉर्म के अंदर चीज़ें मुकम्मल होंगी और हम उसमें कोई सेगमेंट इग्नोर नहीं करेंगे तो वो जो ओवरशैडो कर रही है चीज़ वो ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, उसमें सर हम लोग जो पब्लिक सेक्टर में करते हैं ना, हमने एक काउंसलिंग रजिस्टर बनाया था। ठीक है, एज एन किसी से कोई गलती ऐसी हुई जो नहीं होनी चाहिए तो उसके अंदर वो उसके अंदर बकायदा वो लिखा जाता है, देन उसको बुला के उससे उससे सिग्नेचर लिए जाते हैं कि यू डिड दिस और अगर तुम नहीं करोगे तो वो उसको एंडोर्स करता है, तो वो क्या होता है, वो एक रिकॉर्ड हो जाता है हमारे पास। थोड़ा सा पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर का फर्क जानने की जरूरत है, आप प्राइवेट सेक्टर में इतना आसानी से ये नहीं कर सकते, पब्लिक वाले ने कहीं नहीं जाना, प्राइवेट वाला कहेगा मेरे पास 10 नौकरियां हैं जाए अल्लाह हाफिज, उसको टैकल करने के तरीके मुख्तलिफ होंगे, वो इस तरह से कभी टैकल नहीं होगा कि आपने एक रजिस्टर के ऊपर उससे मनवा लिया। हम तो जब किसी को फायर करते हैं तो उस पर इल्ज़ाम नहीं लगाते,
हम उससे कहते हैं कि जनाब ये डाउन साइजिंग कर रहे हैं, राइट साइजिंग कर रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम, हमें पता होता है ये चोर है, एक तो मुझे कोर्ट कहेगा आगे साबित करो, ठीक है, दूसरा ये है कि वो एक अग्रेसिव उसका बिहेवियर होगा, मैं कैसे कंट्रोल करूं, मैं क्यों इन चीज़ों के अंदर जाऊं, तो वो बड़ा फ़र्क है उसके अंदर। आपके सिस्टम्स इस हवाले से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं, हमारे सिस्टम्स इस हवाले से इतने स्ट्रांग नहीं हैं, होने चाहिए, इतने स्ट्रांग होने चाहिए लेकिन इतने स्ट्रांग नहीं हैं, हमें बहुत सी टैक्टिक्स और बहुत से वेज दूसरे यूज़ करने पड़ते हैं, बहुत सी चीज़ों के ऊपर मिट्टी पाओ, बहुत सी चीज़ों हमें इग्नोर करने, और ये एचआर की बेस्ट स्ट्रेटजी ये होती है कि जब आप देख रहे हैं कि कोई सलूशन नहीं निकला तो थोड़ा सा टाइम गेन करें, विद इन वीक आपको वो सलूशन उसका जो है वो नज़र आना शुरू हो जाता है, फौरी वो इतना वो हो के ज़रूरत नहीं है कि बस फटाफट जो है वो आप उसे कर लो। अच्छा जी, हाँ जी, हम थे 30-70 पे, आगे हमने इस पर कहा कि हमने क्राइटेरिया बता दिया सबसे पहले, ठीक है, फिर हमने उसका जो है वो सबसे पहले इंट्रोडक्शन दे दिया, देन आगे क्या आएगा, ये आएगा, ये चीज़ें आएंगी, इसमें एक साल में कितना आपने किया, अच्छा फिर आप प्लान्स लेते हैं, एक तो आपने पहले बात कर रहे हैं आप इसकी, इस आप पास्ट वन ईयर की बेस पे कर रहे हैं ना, तो पास्ट वन ईयर के अंदर आप क्वार्टर्स Q1 Q2 Q3 इन क्वार्टर्स के अंदर आपने क्या अचीव किया है, ये आप मौका देते हैं इंप्लॉयज को, आप बताएं सबसे पहले, एक ग्रेडिंग वो करता है, एक ग्रेडिंग उसका एचओडी करता है, फिर आप कहते हैं नेक्स्ट ईयर्स प्लान, उसके अंदर आप उनसे पूरे वो अगले साल के टारगेट्स लेते हैं, और वो टारगेट्स आप ये नहीं है कि सिर्फ सेल्स के टारगेट्स लेते हैं, आप बाकी तमाम डिपार्टमेंट से आप उनके टारगेट लेते हैं, ये आपके पास टारगेट्स आ जाते हैं, यही चीज कैरी फॉरवर्ड अगले साल में हो जाती है, इनकी बेसिस पे आप बताते हैं कि इसने कितना अचीव किया और कितना अचीव नहीं किया। मैं दूंगा बींग एम्प्लॉय, मैं बताऊंगा, मैं उसके अंदर करूंगा कि ये मेरे टारगेट हैं, उसके ऊपर फिर एक खाना आ जाएगा उसके एचओडी का, वो उसके ऊपर क्या जो है वो रिमार्क्स दे रहा है, फिर इसको कैलकुलेट करेंगे अगले साल जाके इस पर से कितना किया है, फिर आप कहेंगे क्वालिफिकेशन कितनी इंप्रूव करनी है एक साल के अंदर, अगले साल के अंदर कोई प्लान है फर्दर स्टडीज का या बस यहीं पर, फिर आप उससे पूछेंगे ये जो कंपनी ओवरव्यू की बात आई थी, क्या सोचते हैं कंपनी के बारे में, फिर आप पूछेंगे सजेस्ट करें बीइंग एम्प्लॉयर हम आपको क्या मजीद बेनिफिट्स, क्या मजीद चीजें दे सकते हैं, ये पूरा प्रोसेस आपका अप्रेजल के अंदर है, ये जब सारी चीजें आती हैं तो इनको आप, अब ये इस सारी चीज जो मैंने आपको बताई है इसमें आप लोग अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी आपकी जो इंडस्ट्री जो है उसके अंदर जो चीज़ें चल रही हैं वो सारी आप इसके अंदर ऐड कर लेंगे, उस परफॉर्मा की बेस के ऊपर, उस फॉर्म की बेस के ऊपर आप उसे जब अगले सालों में लेके जाएंगे तो वो पूरा एक ट्रैक रिकॉर्ड आपके पास मौजूद होगा कि मैं 5 साल पहले चला था, 10 साल पहले चला था, यहाँ तक पहुँचाऊँ। फिर आप प्रमोशन करें जी प्लीज़। जी बाइसनेस नहीं होती, ये गलत है, आपने उसके अकॉर्डिंग उसका फॉर्म डिज़ाइन करके उसको देना है, जेडी के हिसाब से आपने देना है। अब देखिए अकाउंट्स, फाइनेंस, एचआर, टैक्स, ऑडिट, समहाउ वो सेम चीज़ें आ जाएंगी उसके अंदर, यानी इतना कुछ ज़्यादा वो फ़र्क नहीं आएगा उसके अंदर, क्वालिफिकेशन का, उसके काम करने का तरीका, उसने अचीव कितना किया है, ऑडिट ने अपना काम कितना पूरा किया, टारगेट्स क्या थे अचीव, ये सारी चीज़ें, ये जो मैंने आपको जब ये चीज़ मैंने आपको बताई है ना कि आप उससे प्लान ले रहे हैं और फिर अगले साल उन प्लान्स को आप देख रहे हैं,
तो ये हर उस जॉब के लिए बेहतर हो जाता है जिसको जिसको आपने मेंशन नहीं किया। आप उसको चेंज करेंगे उससे, आप एक जो है वो कैसे कंपैरिजन भी कैसे कर सकते हैं, इवन आप सेल्स का अलाइड स्टाफ से कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते, उनका आप सेम नहीं रख सकते। अरे बात समझ, मतलब लेबर को आप इसमें तो नहीं डील करेंगे, लेबर को तो आप 25,000 जो गवर्नमेंट ने कहा है वही दे दें, बड़ी बात है कि आप वो सैलरी जो है वो उसको उतनी दे रहे हैं, अदरवाइज तो जो चल रहा है मार्केट में वो सारा हमें पता है। नेक्स्ट अभी कोई बताएगा। हाँ जी ओके, जो हमें इशू फेस करने पड़े थे वो थोड़े से ज़्यादा थे, लेकिन उसमें से मैं समराइज करके आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी। वो ये करने यानी कि हमें जो पहले सिस्टम नहीं था कोई भी ना, कि उनकी परफॉर्मेंस को कैसे जो है वो इवेलुएट किया जाए, तो अब तो सिस्टम हमने बना लिया, मैं और मेरे टीम मेंबर्स ने उन लोगों ने सिस्टम बना लिया जिसके थ्रू हम जो है वो हमने एक टेस्ट डिज़ाइन किया है, और जिसमें से जो है वो सब लोग उस टेस्ट को, चाहे वो प्रमोशन है चाहे वो कन्फर्मेशन है, लेकिन थोड़ा सा हम डिफरेंट होता है वो जो प्रमोशनल टेस्ट होते हैं उसमें हमने कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस ऐड किए होते हैं। इशू जो हमें फेस करना पड़ा वो ये था कि कुछ लोग जो थे ना वो इतने एजुकेटेड नहीं थे, वो टेस्ट नहीं हमें दे, हम चाह रहे थे कि सब चीज़ें जो है ना वो सिस्टम पे आ जाएं, वो सिस्टम पे आ जाएं, और ताकि बाइसनेस कम हो जाए और ये चीज़ ना रहे कि ये बात ना है कि जी वो मैनेजर का फेवरेट था या वो मैनेजर की फेवरेट थी तो वो उसको प्रमोशन जो है ना वो मिल गई है एक मैनेजर की रिक्वेस्ट पे। हमारा एक क्राइटेरिया है जिसमें जो है वो जो भी कोई भी एम्प्लॉय है उसको पहले एक टेस्ट पास करना होता है, उसके बाद फिर उसकी इवेल्यूएशन होती है, इवेल्यूएशन के रिजल्ट्स के बाद उसका जो है वो एक इंटरव्यू होता है, पैनल इंटरव्यू, उसके बाद वो 3 GM या HOD आप कह लें वो उसमें इन्वॉल्व होते हैं, वो उससे क्वेश्चनिंग करते हैं अपनी फील्ड से रिलेटेड। तो अच्छा, इशू जो हमें फेस करना पड़ा वो ये था कि कुछ लोग थे उनकी वर्किंग, उनके सारा कुछ यानी कि वो सिस्टम भी सीख गए थे सारा कुछ, लेकिन वो टेस्ट देने से वो कहते हमने टेस्ट नहीं देना, अगर वो टेस्ट नहीं देंगे तो उनके रिजल्ट्स में जो हमने एक वो 25% रखी हुई है टेस्ट की वो डिस्टर्ब हो रही थी। उसका नाम भी टेस्ट ही था। वो टेस्ट मतलब नहीं नहीं मैंने उनको ये हालांकि चीज़ हमने ना उनको एक क्लियर किया ये पॉइंट कि वो टेस्ट जो है वो इसका सिर्फ नाम आपको शायद लग रहा है, इसमें सिर्फ वही चीज़ें हैं जो आप डेली बेसिस पे आप पोस्टर्स पे कंपनी से आप जब जा रहे होते हैं उसका विजन मिशन उसके वैल्यूज़ प्रिंसिपल उसी तरह से कुछ क्वेश्चन हैं कि आपको कितना पता है, वो कहते हैं हमने लिखना नहीं, ज़बानी कलामी जो मर्ज़ी पूछ लो। आप ये हाँ बिल्कुल ऐसे यानी कि आई डोंट नो उनके माइंड में क्या चल रहा था, वो कहते नहीं हमने लिखना नहीं है, अब हमने एफ़ए किया वह आप हमसे जो मर्ज़ी पूछ लो करवा लो, सिस्टम पे ले जाओ मशीन्स पे ले जाओ हम वो कर लेंगे, हमने टेस्ट नहीं लिखना, हमने कहा हम आपको उर्दू में टेस्ट देते, कहते नहीं हमने आप जो मर्ज़ी आप कहो ना कि हमें कंपनी में जो है वो आप जितने लोग थे मैं आपको बताती हूँ। हमने एक दफा वेरिफिकेशन के वर्ड को चेंज किया था इवैल्यूएशन से, वेरिफिकेशन तो बहुत बड़ा लफ्ज हो जाता है ना कि हम वेरीफाई करने आए हैं, हमने उनको ये कहा कि इवैल्यूएशन, हमने उसको चेंज करके उस पे कहा कि इवैल्यूएट करने आए हैं, तो वो बड़ा एक सॉफ्ट सा हो गया था। मैंने क्योंकि इस चीज को खुद से मतलब बियर किया है कि मैं जो कोर्सेज पढ़ाता हूं कोर्सेज के एंड के ऊपर एक टेस्ट होता है, जब हम टेस्ट की बात करते हैं सब पीछे लाइक अगर आप किसी एचआर से कहते हैं ना कि अगर मैं आप सब सेमेस्टर्स का टेस्ट होगा तो आखिरी दिन हमने नहीं आना, या आना था एक परेशानी के साथ आना था या पिछले दिन हमारा बुरा हो जाता, मतलब ये दिस इज एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है बचपन से, यही है वो भागो 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 बस्ता पकड़ के उसको फीडबैक तो वो, बल्कि मैंने एक कोर्स किया था यूके से तो उसमें मेरे जो टीचर थे उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की थी, वो मुझे आज दिन तक मतलब दिल पे लिखी, वो कहते हैं यार ये तुम्हारा टेस्ट नहीं है मेरा टेस्ट है कि मैंने आपको पढ़ाया कैसे, ये आपकी वैल्यूएशन नहीं मेरी वैल्यूएशन है कि मैंने आपको कैसे। अच्छा चलें जी सुनाएं। तो वो फिर आज भी बल्कि उनका टेस्ट था, फिर मैंने उनको ये चीज़ बताई कि आपको कोई भी इशू हो जो क्वेश्चन लिखे हैं मैं आपको वो बता दूंगी, कहते नहीं हमने पहले उन्होंने यानी कि रजिस्ट किया नहीं हमने ये देना नहीं, हम कौन सा कोई स्कूल में भी दिए, वो तो एक पंजाबी में शुरू हो गए, मैंने कहा देखो थोड़े लिए है कोई भी मुश्किल गल नहीं तुम मैं दस सकते हो मैं थोड़ा पढ़ के दस दाँगी, तुम पंजाबी कहोगे तो पंजाबी दस दाँगी, इस तरह से कहा, कहते नहीं मैं तो नहीं लिखनी बिल्कुल भी उर्दू कुड़िया तू आप ही पढ़ते मैं नहीं कोई कहना, मेरी खुद प्रमोशन हुई है मैंने टेस्ट दिया, मेरी अभी 5 सितंबर को जो है वो प्रमोशन हुई और मेरी 3 GM से जो है वो इवेल्यूएशन हुई है, पहले मैंने टेस्ट दिया उसके बाद मैंने मेरे अपने GM के साथ एक इंटरव्यू हुआ है, उसके बाद 2 जो डिफरेंट यानी कि डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ इंटरव्यू हुआ है, फिर ये कराकर आज सारा ये मामला हमने थोड़ा सा जो है वो सॉल्व करने की कोशिश की है। मैंने कहा आप उर्दू में दे दें जो थानू नहीं लिखनी आती तुम्हें बोली जाओ मैं लिखी जानी हूँ, ये मैंने उनको एक मैंने उनसे ये कहा, मैंने कहा लेकिन वो कहते हैं मुझसे जितना मर्जी मैंने PhD की हुई है जो मर्जी मशीन के जहाँ मर्जी आप मुझे पूछ लो ये क्या है ये क्या है कैसे ऑपरेट होती है,
फिर उनको थोड़ा सा कन्विंस करके उनसे टेस्ट ले लिया, लेकिन थोड़ी सी जाहिर सी बात है वो थोड़ा टाइम टेकिंग भी था, दूसरे भी टास्क आपको करने होते हैं, तो वो फिर मतलब ये थोड़ा सा इशू जो है ना वो फेस करना पड़ा। ये होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी चीज़ आप इंप्लीमेंट करेंगे वो एम्प्लॉयज के लिए एक डिफरेंट होता है, वो कि हम क्यों करेंगे, हाँ जी ऐसे है, तो वो इसी वजह से तो उनकी वैल्यूएशन और डिपेंड करता है कि हम किस तरह से उनके पास पहुंचे, तो कैन को हम डिलीवर कैसे कर रहे हैं, हमको अपनी बातों में लेकर कैसे आ रहे हैं, तो ये डिपेंड करता है बस ये, यानी कि थोड़ा सा जो है वो टेस्ट का नेम और एमसीक्यूज बना, एमसीक्यूज ही थे वो, उनकी अपने पर्सनालिटी के ऊपर भी थे। हालांकि सॉरी अजमत फजर, इनको जब इनकी मैनेजमेंट ने वहाँ पोस्ट किया विद स्पेसिफिक जॉब, उसके बाद इनको पूर्व में ही छोड़ क्यों देते हैं? आफ्टर ऑल मैनेजमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, दे वांट टू ब्रिंग अ चेंज, दे हैव टू एम्पावर हर, और जो भी है सिस्टम में कुछ आपको कभी लूपहोल्स कवर करने होते हैं, वो वहाँ पे मैनेजमेंट इनकी सपोर्ट भी नहीं करती। चेंज मैनेजमेंट, चेंज जो रिलक्टेंसी है ना वो मालकान में भी है और वो एम्प्लॉयज के अंदर भी है, उन्होंने देखा ही ऐसे है, इंडक्ट किया है ना, ये नहीं पता जो आप एम्पावरमेंट किया। हम चेंज को क्या समझते हैं, हम चेंज को, मैं पुरानी बात है 2013 या 12 की बात है, चांदबाग फाउंडेशन आप लोगों ने नाम सुना होगा, चांदबाग फाउंडेशन ही स्कूल है, कहते हैं कि एचिसन अगर नंबर वन है तो वो नंबर टू पर वो आता है, मैं वो उनका अच्छा वो सारा है, तो उनकी प्रिंसिपल थी मिस शमा थी, तो मेरा वहाँ पे जॉब इंटरव्यू हो रहा था, तो मैं उस वक्त पीएचडी कर रहा था जो मैंने कंप्लीट नहीं की, तो शी सेड के कल्चर चेंज करना है आपने यहाँ पे मेरा। मैंने कहा अच्छा तो क्या कल्चर करना है? अब वो जो उन्होंने दो बातें की ना, वो आप ज़रा बिहेवियर और साइकी को देखें, एक बात उन्होंने जो टाइम पीरियड था वो मैंने उनको कहा, मैंने कहा कल्चर तो आपका अगर चेंज होना है तो वो फिर होना है आपके प्ले ग्रुप से, वहाँ से ऊपर जाएगा ना, 10th क्लास तक जाएगा आपका, मैं 10वीं के बच्चे को पकड़ के तो कल्चर चेंज नहीं करूँगा। दूसरी बात यह है कि कल्चर के किस फैक्टर को चेंज करना चाह रही हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं कल्चर के इस फैक्टर को चेंज करना चाह रही हूँ कि ये जो बच्चे खुद से खेलते हैं ना, ये खुद से पढ़ा करें। मैंने कहा नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक नेचुरल उनके अंदर ये चीज़ है, और वैसे हम भी अगर ये कहा जाए कि हम फ्री रहना पसंद करते हैं, हम आउटिंग पसंद करते हैं, तो हम काम खुद से करना शुरू करते हैं, नहीं, वो कुछ फैक्टर्स उसके पीछे लगाए जाते हैं बच्चों, तो इसलिए हम जो ये समझते ना ये कल्चर चेंज करना बड़ा आसान होगा या इस तरह से है, सबसे मुश्किल काम ये है, चेंज अडॉप्ट करना और करवाना बहुत मुश्किल काम है, ये इतना ईजी नहीं है कि आप इस तरह से। दूसरी बात ये आए प्लीज़, दूसरी बात ये है, कंप्लीट हो गया था या कुछ और भी है? दूसरी बात ये है कि हम मैंने टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की एक क्लास में बैठे हुए, तो एक हमारे प्रोफेसर हैं, उन्होंने कहा कि लेबर कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल काम है, तो उसमें एक खातून ने हाथ पकड़ा, सर और कुछ मुश्किल होने का नहीं, सबसे मुश्किल काम टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर लेबर कंट्रोल करना है। शीसाइड के मसले क्यों नहीं? उन्होंने कहा पुत्र जाएंगी तो पता लगेगा हर किसी का बिहेवियर। और फिर दूसरी बात यह है, लेबर को आप दे क्या रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, आप रिटेन करने के लिए क्या दे रहे हैं? जो आपको हुकूमत कह रही है आप वो चीज़ें तक पूरी करके दे नहीं रहे, और आपकी एक्सपेक्टेशंस ये है कि ये आपकी मर्ज़ी के मुताबिक काम करे, वो कभी भी नहीं करेगा, वो उस वक्त करेगा आपकी मर्ज़ी के मुताबिक काम जब उसको बेनिफिट्स ऐसे देंगे जो दूसरा उसको ऑफर ना कर रहा हो। तो इसलिए ये जो बिहेवियर्स को कंट्रोल करने की बात है, ये कहने की हद तक बहुत अच्छी बात लगती है कि जी हम कर लेंगे कंट्रोल, ये कौन सा बात है, क्योंकि जब हम पढ़ रहे होते हैं उस वक्त लगता है बस पढ़ाई से बाहर निकलें किसी तरीके से, बाकी वो तो जाएंगे तो जाके वो हम उसको जो है वो देख लेंगे, जबकि ऐसा नहीं होता। मैं तीन चीज़ें लिखता हूँ, मुझे बताइएगा परफॉर्मेंस से इनका क्या ताल्लुक है, और है भी है या नहीं है। जी तीनों से, तीनों से किस किस के लिए, अब ये भी तो देखते हैं ना कि इसका ताल्लुक किसके लिए, इन तीनों चीजों का ताल्लुक है। मैं थोड़ा हिंट और दे देता हूं आपको,
तीनों का है, यानी हमने कल जो कहा, हमने कहा अप्रेजी है, अप्रेजर है और हम हैं, तो इन तीनों का ताल्लुक है। अब क्या क्या ताल्लुक है, अब आए कम्युनिकेशन पे, क्या ताल्लुक है कम्युनिकेशन से? कम्युनिकेट करेगा तो पता चलेगा कर क्या रहा है। हम समटाइम्स कम्युनिकेट नहीं करते, और जब हम कम्युनिकेट नहीं करते तो दूसरों को नहीं पता होता, हम एक्सपेक्ट किए होते हैं कि पता है मेरे साहब को पता है मैं क्या कर रहा हूँ, नहीं पता होता। तो कम्युनिकेट किसने करना है? आइडियली तो ये होना चाहिए कि एचआर एचओडी करे, अगर वो नहीं कर रहे तो फिर किसने करना? एम्प्लॉय ने करना। प्रॉब्लम्स क्या आते हैं कम्युनिकेशन में, गैप क्या होता है कम्युनिकेशन का भी होते हैं। किसका? एक्सेप्टेंस का होता है, हम कम्युनिकेट कर रहे हैं और आगे इस पे रिस्पांस नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, बिल्कुल सही है, वो कम्युनिकेशन का गैप नहीं है, वो गैप निगोशिएशन का। सर आप ये होता है कि आप काम कर रहे हैं, आप लाइन मैनेजर हैं, तो मैं अपना काम कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं मैं कैसे काम कर रहा हूं, आज मेरा आपसे मैं बातचीत नहीं कर सकता, आपको मेरे जो मेरे न्यू मैंने काम किए अच्छे काम किए उनका भी पता नहीं है आपको, वो बस बस ये है कि वो बंदा काम कर रहा है लेकिन आपकी नजर के सामने नहीं है, वो एक कम्युनिकेशन गैप होता है। कैसे ओवरकम करेंगे? ठीक है, कॉन्फिडेंस कैसे? समटाइम्स कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा होता है ड्यू टू कॉन्फिडेंस। ठीक है, लेट्स सपोज अगर मैं बहुत काम कर रही हूँ, ठीक है, बट मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं किसी अगले बंदे से बात नहीं कर सकती, लेट्स सपोज मैं किसी और डिपार्टमेंट में जाके बात नहीं कर सकती, तो ये मेरे और उस डिपार्टमेंट और मेरी परफॉर्मेंस के बिटवीन में एक बहुत बड़ा बैरियर है, दैट इज ड्यू टू द कॉन्फिडेंस। अच्छा, मैं बात कर रहा हूँ परफॉर्मेंस की, परफॉर्मेंस आपने अपने एचओडी को बतानी है या अगर एचआर डायरेक्टली आपसे कम्युनिकेट कर रहा है तो आपने उनको बतानी है। जब आप दूसरा डिपार्टमेंट कहती हैं तो दूसरे डिपार्टमेंट में अगेन निगोसिएशन आ जाती हैं, क्योंकि दूसरे डिपार्टमेंट से आप डायरेक्टली लिंक्ड नहीं है। अदरवाइज तो फिर आप अपवर्ड कम्युनिकेशन, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, लेटरल कम्युनिकेशन, वो सारी चीजें आ जाएंगी, फिर वो उसके अंदर आ जाएगा कि जो अभी आपने बात की है कि चैनल क्या बनेगा, उस चैनल में फिर हम कहेंगे नॉइज कहाँ पे आ रही है, वो पड़ा हुआ सारा। इधर आ रहा हूँ, जिधर आप आए हैं ना, आप ये है गैप, पता चल गया पहले सुन लिया, जैसे भी हम पता शम्स बहुत डिसिप्लिन्ड आदमी है तो ये अगर हम तक पीछे हो जाते हैं ये चला जाता है हमारा काम चल जाता है। सर इसमें क्या है कि एचओडी को हम अपना कैसे अपना आप शो करवा सकते हैं, उसमें ऐसे कि जैसे कि रिसेंटली मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मेरी रिसेंटली एक यूएस बेस्ड कंपनी में हायरिंग हुई, तो लास्ट 3 मंथ्स हो गए, तो हायरिंग हो रही है तो जो अप्रूव करता है वो सीईओ करता है, सीईओ यूएस और इजराइल में बैठता है, ठीक है, तो उसने कहा हमारी मेन हेड एचआर को कि ये बंदा कौन है, पाकिस्तान से है और इसके मैंने देखा काफ़ी ज़्यादा उस आपने से कोई बातचीत की है, इसको कोई प्रॉब्लम फेस तो नहीं करनी पड़ी, तो मेरी एचआर ने मुझे कॉल की 3 महीने के बाद, उससे पहले मेरी उसके साथ फर्स्ट फाइनल इंटरव्यू हुआ था, उसके बाद उसने मुझे कॉल की, उसने कहा कि सॉरी टू से कि मैं आपके साथ नहीं बात कर सकी ड्यू टू सम प्रेशर ये वॉट एवर, तो मुझे एतान ने कहा है कि इस बंदे से बात करो कि ये बंदे को क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं फेस करनी पड़ रही, क्योंकि मैं इसका वर्क देख रहा हूँ और ये डे बाय डे कुछ ना कुछ इसकी हायरिंग हो रही है, तो ये भी एक है कि आप अपने आप को शो कर रहे हैं उसके अंदर, जब आपका एफर्ट कर रहे होते हो एफर्ट ऑटोमेटिकली शो भी होती है अगर आपका प्रॉपरली एक चैनल है। नहीं, अगर चैनल प्रॉपर है तो, अगर वो चैनल प्रॉपर नहीं है तो वो नहीं जाती, और अगर आप जिन कंपनीज की बात कर रहे हैं वहाँ पे गोरे इन्वॉल्व हैं, ठीक है, हम बात कर रहे हैं जहाँ पे चौधरी इन्वॉल्व हैं, हम उन कंपनीज की बात कर रहे हैं कि चौधरी साहब को नहीं पता चलना कि जनाब मेरा एम्प्लॉय क्या, चौधरी साहब को बताना पड़ेगा कि सर मैं ये परफॉर्म कर रहा हूँ, मैं ये काम कर रहा हूँ, और बार बार बताना पड़ेगा, वो फिर चौधरी वाली हमें हरकतें भी करनी पड़ेगी आते जाते सर क्या। अच्छा ये कल्चर आपकी कुछ बल्टाई नेशनल में भी है, पता है आपको, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आपके चौधरी कल्चर के अंदर ये वाली बात आती है, मल्टाई नेशनल में भी ये कल्चर है, यही इस रीजन का कल्चर है, इस रीजन का कल्चर है ये, हम वो डेरेदारी
वो चौधरी इज़म, वो मीर भुट्टो, ये सारे हम पीर, ये हमारा कल्चर है ये कि इसके अंदर हम जो है वो इस चीज़ को बड़ा पसंद करते हैं, प्रोटोकॉल्स देना और वो सारी चीज़ें जो है वो वेस्ट में अगर आप ट्रूली देखें तो वहाँ पे किसी को किसी से गर्ज ही नहीं है। ठीक है, अपने अपने सिस्टम डेवलप है, उसके मुताबिक परफॉर्म करना है, उसके मुताबिक आपकी परफॉर्मेंस आ जानी है। यस, NWFP में ये कल्चर नहीं है जो कि आप खैबर पख्तूनख्वा है। कैसे ये कल्चर नहीं है? वहाँ पे वो लोग, मैं एक दफ़ा 2006 में जब वहाँ पे गया था तो वहाँ पे ये थे सिराजुल हक साहब, सीनियर वजीर थे, जूतियाँ अपनी हाथ में पकड़ के जा रहे हैं मस्जिद के अंदर। यस, वहाँ पे नहीं है और ये बड़ी अच्छी चीज़ है। ये कल्चर तबाह कर रहा है, हमें नहीं होना चाहिए, किसी भी जगह पे नहीं होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे सरकारी महकमों में, हमारे प्राइवेट सेक्टर में, हर जगह पे ये वाला कल्चर जो है वो चल रहा है। अच्छा, हम कम्युनिकेशन पे थे। कम्युनिकेशन एक, अब हमने दो बातें की हैं। एक हमने ये बात की है कि जनाब हमें, हमारे जो लाइन मैनेजर है या हमारा जो सुपरवाइज़र है या HOD है, जो भी, उसको आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे कि आप क्या काम कर रहे हैं। दूसरी हमने कम्युनिकेशन की बात की है, जो सर आपने बात की है कि एक परसेप्शन बन जाती है कम्युनिकेशन की, कंपनीज लोग क्यों छोड़ते हैं? इसके अलावा पीयर ग्रुप की वजह से भी, क्यों वो फलाने से नहीं बनती मेरी, क्यों नहीं बनती? इसलिए नहीं बनती कि जी वो कम्युनिकेशन गैप है। आइडेंटिफाई करें, निकालें, कम्युनिकेशन गैप नजर आएगा, कोई और रीजन नजर नहीं आएगी। आपकी मैनेजमेंट की बुक्स के अंदर लिखा हुआ है कि ये टैक्टिक्स हैं आपके, जो कंपनी के हैं कर्ता धरते हैं, उनकी ये टैक्टिक्स हैं कि ये आपस में अगर थोड़ा सा लगे रहेंगे ना तो हमारे पास खबर आती रहेगी। डिवाइड एंड रूल, क्या करेंगे इसमें आप? अगर ट्रस्ट डेफिसिट है आपका तो क्या करेंगे आप? फिर ब्लास्ट ही होगा ना, फिर कोई एक जाएगा। और ये जो हम कहते हैं ना, जब ये कहते हैं कि सबसे बड़ा मसला कंपनी का प्रॉफिट कमाना, प्रोडक्टिविटी, सबसे बड़ा मसला, मैंने आपको कल भी बताया, दोबारा बता रहा हूँ, रिटेंशन है। जिसने प्रॉफिट कमा के देना है आपको, उसकी परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं आप और उसके फैक्टर्स ढूंढ रहे हैं कि क्यों वो सेटिस्फाई नहीं है। ये परफॉर्मेंस जो आपकी, जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, ये आपकी सैलरी भी अप टू द मार्क लेके आएगा, ये आपकी प्रमोशन भी अप टू द मार्क लेके आएगा, ये आपकी जो शॉर्ट कमिंग्स है उनको आइडेंटिफाई करेगा, फिर आप उनको कोचिंग करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे, या आपको हर चीज, हर उसके अंदर जो है वो हेल्प आउट करेगा। अब आ जाए निगोसिएशन पे। निगोसिएशन कहाँ कहाँ इन्वॉल्व होती है? और हर जगह पे होती है, पीयर ग्रुप में आपके, वहां पे आपकी निगोसिएशन है। अब निगोसिएशन करते के लिए हम क्या गलतियां करते हैं? निगोशिएट करते हुए क्या गलतियां करते हैं? चले, अभी मुझे आपको अग्री करवाना है इस चीज़ के ऊपर कि ये डायरेक्टली लिंक्ड है परफॉर्मेंस के साथ। ये आपने अग्री कर लिया, किसी को कोई कन्फ्यूजन इसके अंदर? और फिर हमने ये भी कह लिया कि कम्युनिकेशन भी अगर मैं कहूँ कि हर जगह इन्वॉल्व होती है तो वो गलत नहीं है, परफॉर्मेंस में की रोल प्ले करती है तो गलत नहीं हूँ। निगोसिएशन की रोल प्ले करती है, यस। बताता हूँ, टीम वर्क, चले निगोसिएशन पहले बात कर लेते हैं। निगोसिएशन हायरिंग कर रहे हैं, बींग HR निगोशिएट कर रहे हैं, आपने उसको दिया परफॉर्मेंस अप्रेजल, आपने दिया बींग HOD, उसको नहीं पसंद आया, निगोशिएट कर रहे हैं, अग्री डिसअग्री, वो ऑफर लेके आपके पास आ गया कि जी मुझे तो ये ऑफर मार्केट से मिल रही है, आप निगोशिएट कर रहे हैं, प्रॉब्लम में आ गए दो डिपार्टमेंट्स, सॉल्यूशन किससे? निगोसिएशन से। और ये सारी चीजें डोमेन HR की हैं, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट जहां पे आएगा वो HR ने उसको रिजॉल्व करना है, किसी और ने नहीं करना। आप इस चीज के कस्टोडियन हैं कि जो कल्चर है आपकी कंपनी का, वो कल्चर आपका किसी भी उसके कल्चर के फैक्टर के अंदर ऐसी चीज़ ना है कि आपने एक ऐसा एनवायरनमेंट दे दिया कि इतनी पॉलिटिक्स कर ली है कि जिसने, इसने आगे कहा ये बंदा ठीक नहीं है, ये खातून ठीक नहीं है, ये साहब ठीक है, तो आपने इनको भी कहा जी आप भी फारिग, आप भी फारिग, और ये बंदा रहेगा। मैंने कल आपको एक हायरार्की बताई थी फायर करने की, सबसे पहले चोर, उसके बाद जो पॉलिटिक्स कर रहा है, फिर परफॉर्मेंस, उस पर कुशन दें, उसमें अपने आप को रीइवैल्यूएट करें, अपनी कंपनी को रीइवैल्यूएट करें, रीविजिट करें, उसके बाद आप जाके ये डिसाइड करें कि जी अब नहीं, ये अब इसी में कमी है, मेरे में कोई कमी नहीं है।
क्योंकि अगर आपका कल्चर और आपका सिस्टम आपको अलाउ नहीं कर रहा तो आप बकर की जगह जिसको मर्जी लेके आ जाए वो भी परफॉर्म नहीं करेगा। तो आपने उन फैक्टर्स और उन सिस्टम्स को ठीक करना है जिनकी वजह से अहमद परफॉर्म नहीं कर पा रहा। वो सिस्टम अगर आपने अब नेगोशिएशन क्लियर हो गया आपको, यस थैंक यू सर। टीम वर्क कैसे लिंक करती है परफॉर्मेंस से? अगर आपकी टीम के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं है वन बाय वन, जी ये है, ये टीम वर्क नहीं है। आप भी बोल रहे हैं वो भी बोल रही हैं, इनको भी समझ, ये एग्जांपल दे रहा हूँ, वो नहीं कर रहा, तनकीद नहीं कर रहा। वैसे हम ब्लंट, आप कल नहीं आए थे, मैं खुली तनकीद करता हूँ, बताइए। टीम वर्क अगर आपकी टीम एक्स में लेट्स से सेल्स टीम है, उसमें अगर आप आपस में कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे, मिलके नहीं चले, वो कह रहा मैं ये सेल लूं मैं ये सेल लूं, आपस में लड़ाई कर रहे हैं, उसमें आपकी सेल परफॉर्मेंस भी लो होती है, एम्प्लॉई रिटेंशन का प्रॉब्लम आता है, क्योंकि लगता है इसकी मिसाल नहीं बनती, वो कहते हैं मैं कहीं और जाता हूँ, इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम होता है। अगर टीम वर्क नहीं करते तो आपकी पूरी डिपार्टमेंट की जो परफॉर्मेंस है वो होती है। कंपेयर मैनेजमेंट पे भी होता है कि जब हमें कंप्लेंट्स आ रही होती हैं तो हमारी टीम दैन क्यूरीज को रिजॉल्व नहीं कर रही होती, तो उस पर भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है कि अगर आपका टीम वर्क अच्छा नहीं है तो आप जो अपने एम्प्लॉइज की जो भी क्यूरीज आ रही हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसको भी अच्छा उसका फीडबैक भी देते हैं। मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से एक्सप्लेन करता हूँ कि जब छोटे प्रॉब्लम्स को हम इग्नोर करके बड़े प्रॉब्लम्स की तरफ जाते हैं तो हम उन छोटे प्रॉब्लम्स को बड़ा बनने का मौका दे देते हैं। उन छोटे प्रॉब्लम्स को अगर आप एड्रेस कर लें साथ साथ तो आपके प्रॉब्लम्स बड़े नहीं बनेंगे। जहाँ पे आप कहते हैं इसको तो मैं देख लूँगा ना, पहले मैं इसको देख लूँ ये क्या प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट कर रहा है, उस पर फोकस करते हुए आपने ये पूरी लेन जो है वो फारिग कर दिया। इसलिए ये जो आपने बात की है कि अगर आपके पास एक क्यूरी आई है, कोई चीज़ आई है, आप उसको टाइमली नहीं एड्रेस कर रहे तो वो एक बहुत बड़ा आपके लिए डिजास्टर होगा विद द पैसेज ऑफ टाइम, जिसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होगा, किसी के लिए भी मुश्किल होगा। टीम वर्क और किस तरह से रिलेट कर रहा? सर एक बंदा सारे काम नहीं कर सकता, एक बंदा सारे काम नहीं कर सकता, ठीक है, बहुत सारे लोग मिलके एक बड़ा काम कर लेते हैं, अब अगर अपना अपना पोर्शन ले लें और मिलके कर लें तो वो रिजल्ट ओरिएंटेड हो सकता है। अच्छा, अगर एक इंडिविजुअल ही जोर लगाता रहे और बाकी के साथ मिले भी ना या मिलने भी ना दे, फिर बात नहीं होती। बिल्कुल ठीक बात है, आप बताएं फिर। आप जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी सर, जी साहब भी आप बात कर रहे थे, इस तरह भी होता है मेनली, तो मैं ये सोचता हूं कि मैनेजर का इसमें लाइन मैनेजर का रोल होता है मोस्टली, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर कोई इशू आ रहा है, कोई चीज़ आ रही है किसी एक एम्प्लॉय को आ रही है, तो आप मैनेजर के पास जाकर कंप्लेन करते हो ये चीज़ ऐसे हो रही है, आप उसको कहते हो ठीक है तो जिस तरह कर लो मैं इसको देख लूँगा, जिस बंदे के साथ प्रॉब्लम होती है आप उसको भी कहते हो कि प्रॉपर तरीके से आप बिठा के, फॉर एग्जाम्पल मुझे इनके साथ प्रॉब्लम है, आप इकट्ठे बैठा के इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन निकालने के बजाय आप एक दूसरे को बताते हो आप ठीक है ठीक है आप अपना काम कैसे कर रहे हो इस तरह करो, उस दौरान ये होता है कि टीम जो है उन्होंने एक दूसरे के साथ बैठ के काम करना होता है, लेकिन वो होता ये है कि उनका कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता रहता है और वो एक टाइम सर्टेन टाइम आता है किसी ना किसी एक को वहाँ से जो है एरिए से कुछ करना पड़ता है, तो वो टीम बिल्डिंग जो है टीम वर्क इस तरीके से नहीं होता। मेरा ख्याल है टीम वर्क की जब हम बात करते हैं या टीम बिल्डिंग की हम बात करते हैं तो वो सिर्फ आपके लाइन मैनेजर पर डिपेंड नहीं कर रहा होता, वो इटसेल्फ एम्प्लॉयज़ के ऊपर भी डिपेंड कर रहा होता है। टीम बिल्डिंग रिस्पांसिबिलिटी है ना, एक चीज़ ये है कि आप मेरे सुपीरियर हैं, मुझे इसके साथ इशू है, ठीक है, आप प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के बजाय आप दोनों को सिंगल सिंगल मिल रहे हो, आप कह रहे हो ठीक है तुम जो कर रहे हो ठीक कर रहे हो, उसको छोड़ो मैं उसको भी देख लूँगा, बट आपको एक प्रॉपर चैनल से जो इस चीज़ को मतलब सॉल्व करने के बजाय आप एक दूसरे को, बहुत सी चीज़, आपका नाम क्या है? जुबैर, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हमें खुद से भी सॉर्ट आउट करनी पड़ती हैं। उसकी रीज़न ये है कि जब मुझे सेकंड थॉट आएगी तो उस वक्त मैंने कंपनी के बारे में सोचना है क्या, अपने बारे में क्या सोचना है, क्यों करनी है, मेरे घर में बीवी है, बच्चे हैं, माँ बाप हैं, तो सबसे पहले मैंने जब डीमोटिवेट होना है तो मैंने अपने आप को मोटिवेट, सेल्फ मोटिवेशन क्या होती है, सेल्फ मोटिवेशन यही है, सबसे पहले आपने अपने हालात कैलकुलेट करने हैं, आपको नहीं परवाह, अगर आपने कैलकुलेट कर लिया ठीक है छोड़ दें, लेकिन अगर आप समझते हैं कि देर इज़ नो अदर वे तो उसके लिए आपने, ज़रूरी नहीं है कि वो आके दूसरा बंदा ही आके उससे, मैं हमेशा कभी ये ना सजेस्ट करता हूँ ना कभी ऐसा किया है, कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए चाहे आपकी नौबत हाथापाई तक चली जाए, एक कंपनी में रहते हुए कम्युनिकेशन गैप नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं, आप अज़ियत में आ जाएंगे। आप कुछ कहना चाह रहे थे फिर आप उसके बाद आप? जी सर,
टीम वर्क बेसिकली अगर मैं मैनेजर हूँ या मेरे साथ काम करते हैं तो इसमें बहुत बड़ा रोल मेरा है कि मैं इनके KPIs कैसे सेट करता हूँ, मैं इनको आपस में मिंगल कैसे करता हूँ, इनके कन्फ्लिक्ट कैसे सॉल्व करता हूँ, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसके हाथ में सिस्टम है। तो ये जो टीम वर्क का इशू आता है मोस्टली यहाँ से आता है, मैनेजर से आता है। लेकिन अगर आप उसमें रोल प्ले कर सकते हैं तो करना चाहिए, बीइंग एम्प्लॉय। कंपनी कल्चर तो सबसे पहले है ना, कल्चर का ही तो ये सबसे बड़ा सेगमेंट है। लाइन मैनेजर क्यों एड्रेस नहीं कर रहा, कल्चर का हिस्सा है। ठीक है, देखी जाएगी यार, कर लेंगे आप पे, कर लेंगे कह दिया बस, ठीक है मैं जरा उधर आ जाऊँ उसके बाद इन आप लोग कह रहे हैं ना, और जो हो रहा है एक एग्जांपल है, ये भी हो सकता है कि मैं खुद टीम वर्क को ब्रेक करूं, मेल में डिवाइड डालूं, मेल में कॉन्फ्लिक्ट करूं, उनकी नेगोशिएशंस को ब्रेक करूं और वो सब कुछ मैं अपने पास अब्सॉर्ब करने की कोशिश करूं। चले वो तो उसका एक मैनेजरियल स्टाइल या लीडरशिप स्टाइल होगा ना जिसके ऊपर वो करेगा। दिस इज नॉट व्हाट शुड हैपन, देखे ना टीम वर्क क्या है, पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का कभी भी कोई हार्ड एंड फास्ट फार्मूला नहीं होता, 2+2 नहीं हो सकता। वो 2+2 क्यों नहीं हो सकता, वो 2+2 इसलिए नहीं हो सकता कि मुझे गुस्सा ज्यादा आता है आपको कम आता है, हालांकि इसका उलट है। ठीक है, तो ये इसमें हो सकता है एक फैक्टर मेरे अंदर उसमें 10 में से 8 पे हो, आप में वो 2 पे हो, तो इसलिए वो पर्सन टू पर्सन हम डील करते हैं और उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम करते हैं। मैं जब पॉलिसी की बात करता हूँ या पॉलिसी डेवलपमेंट की बात करता हूँ तो मैं कहता हूँ पॉलिसी 2 तरह की है, एक वो जो लॉ कहता है, दूसरी पॉलिसी सारी नीड बेस्ड होती हैं, जिस चीज़ की नीड है उसके ऊपर पॉलिसी बना लें, सिचुएशन वो जो आपको आती है। आप कुछ कहना चाह रहे थे। अब मैं ये कहता हूँ कि हम कहते हैं क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है। जब हम कहते हैं ना क्या होना चाहिए, तो होना तो ये चाहिए कि मैनेजर ने अपने हाथ से कम काम करना है। उसका काम ही टीम बिल्डिंग, टीम वर्क, ये सारा कुछ है। विजन देना, उसको ये परफॉर्म करवाना। तो अगर मैं जो मैंने आपको बात कही ना कि आपने सेल्फ मोटिवेशन पे आना है, वो आपने उस सूरत में आना है जब आप देखें कि आपका जो भी बॉस है वो इस चीज़ पे परफॉर्म नहीं कर रहा, तो आपने सेकंड थॉट पे उस वक्त तक नहीं आना जब तक आपने अगला कोई इंतजाम नहीं कर लिया अपना। उसके होता है कि वो टीम बिल्डिंग करे, सारा काम करे, लेकिन टीम वर्क का मेन, जब भी आप इंटरव्यू करते हैं कि आर यू गुड टीम पे, टीम वर्क है आप में, उसका मतलब ये है कि अगर एक बंदा है वो आता है टीम में आता है, वो एक टीम वर्क से चल सकता, वो एक टीम प्लेयर नहीं है, तो सारा उसके उस पर आता है। आप मैनेजर जो मर्जी से चाह रहे हैं उसको, उसकी साइकोलॉजी ऐसी है, 15 दिन बाद उसका ट्रिगर होना है, उसने पूरे टीम का इनाम मोटिवेशन लो कर देना है। तो एक बंदे खुद एक टीम प्लेयर नहीं है, वो उसको मैनेजर समझा रहे हैं, उसके टीम पर जो टीम प्लेयर्स हैं वो उससे प्लीज हैं वो समझा रहे हैं, उस पर कुछ ऐसे नहीं बैठ, क्योंकि वो खुद एक टीम प्लेयर नहीं है, तो इस तरह टीम वर्क बिल होता है। इसलिए कंपनी जो बड़ी कंपनीज हैं, इंटरनेशनल कंपनीज हैं, वो यही देखती हैं आप एक बंदे में सेस करती हैं टीम प्लेयर है कि नहीं है। जो पर्सनैलिटी असेसमेंट होती है उसमें एक क्वेश्चन होते हैं, वुड यू लाइक टू डू ऑल थिंग्स बाय योरसेल्फ, वुड यू लाइक टू यू नो वर्क विद योर कलीग्स, शेयर योर यू नो उनके साथ बाहर जाएँ फिर बुले मिले, तो एक टीम प्लेयर का वो उसमें एक पर्सनैलिटी असेसमेंट होता है। अगर आप एक बंदा टीम प्लेयर है ही नहीं, आप जो मर्जी कर ले मैनेजर उसको बेनिफिट्स दे, पर्क्स दे, उसको खिलाए पिलाए, वो कुछ नहीं करेगा, 15 दिन बाद फिर वो कोई प्रॉब्लम। कछुए और खरगोश की कहानी कितने लोगों को आती है, कंप्लीट किसको आती है? मुझे चारों आपको चारों आती हैं। और कैसे नहीं, वो तो 2 हो गई ना, उन्होंने 4 कही हैं। तो हम बात कर रहे हैं टीम बिल्डिंग की। टीम बिल्डिंग इसलिए ज़रूरी है, वो एक बताते हैं कहते हैं कि जी आप बोर्ड के अंदर हैं और उस बोर्ड के अंदर 8-8 लोग हैं और एक आपके जो है वो चप्पू अपोजिट डायरेक्शन में चला रहे हैं, 8 लोग बाकी उसमें करा रहे हैं, तो आप कहाँ पे जाएंगे? आप वहीं पे खड़े रहेंगे, प्रोग्रेस नहीं करेंगे आप। सेम सिनर्जी कहते हैं ना हम इसे, सेम डायरेक्शन के अंदर आपने चलना है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस कैसे चलती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस चलती हैं विजन के साथ,
उस विजन से फिर आपकी आपकी मिशन और वो सारी चीज़ें निकलती हैं और फिर उस पर पॉलिसीज बनती हैं और फिर उसको अचीव करने के लिए प्रोसेसेस डिफाइन होते हैं। वैसे आवाम में आप अगर कर दें कि जी भाई की करना है, कम कारोबार करना है जी अपना, तो वो नहीं, उस तरह से नहीं हो पाएगा। और जो अच्छे कारोबार करने वाले लोग हैं वो कहते हैं कि दूसरों को देख के तो बिल्कुल कारोबार नहीं करना चाहिए, जब तक आपको खुद उसका एक्सपीरियंस नहीं आ जाता। आप उसके अंदर कामयाब होने के तनासुब या चीज़ें बड़ी कम होती, छोटा बनना पड़ता है पहले हर डिपार्टमेंट में। जब आप वो छोटे होते हैं तो फिर उसके बाद जो आपकी लर्निंग होती है वो किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से होती है। तो हम ये कोशिश, सर ये जो आपने अप्रोच बताई है ये इस रीजन में बताई जाती है, कुछ और रीजन हैं वहाँ पे कोलैबोरेशन, प्राइवेट सेक्टर खुद अपना कंपेटिटर बेच करके खड़ा करते हैं, ये वो रीजन है। वहाँ पे न्यू कमर्स को इस तरह जिस तरह ये लोग कभी ज़्यादा खड़ा लगा देते हैं फार करके, वो नहीं करते, वो न्यू कमर्स को मिलाते हैं, न्यू कमर्स बहुत उनके टॉप वहाँ पे बैठ जाते हैं और वो ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं न्यू कमर्स को। और वो ये जिस तरह की ये अप्रोच है ना सिखाते वो हैं, लेकिन जिस और वो उसको बिल्ड भी कर जाते हैं साथ, जिस तरह ये करें इस तरह नहीं करें, वो ये डिफरेंट रीजन रीजन उनका सक्सेस रेट यहाँ से बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और वो इवन कंपेटिटर को बिल्ड करते हैं अपना, बेशक उस रीजन में कहीं और है। तो यहाँ पे भी है वो अभी जो शायद आप भी जानती होंगी, ये लीडर कंपनी जो है ये ऊपर से एक ही है, नीचे तीन ब्रांड्स हैं उनके, तो वो तो बहुत पेस्टिसाइड में तो होता ही ऐसे, पेस्टिसाइड में तो होता ही ऐसे। वो दूसरी बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं कि आपका इंडस्ट्री सेम है लेकिन कंपटीटर का ताल्लुक आपसे कोई नहीं है, वो सिर्फ कंपटीशन में है। ये जो आप लीडर की बात कर रहे हैं वो पेस्टिसाइड का एक कल्चर है। ओके वो उनका एक कल्चर है, वो कल्चर आप स्टडी करेंगे आपको पता चल जाएगा उसकी रीज़न क्या है। वो डीलर नेटवर्क की वैसे वो करते हैं। हम जब जेनेरिक बात करते हैं ना तो उस जेनेरिक बात के अंदर हम कैलकुलेट करते हैं 51-49 पे, 51-49 पे 51% मैं एक अच्छा आदमी हूँ तो मैं अच्छा आदमी उसके अंदर आऊँगा, जेनेरिक बात कर रहा हूँ ना। और अगर 49% जो है वो मैं अच्छा आदमी हूँ तो मैं एक बुरे आदमी में आऊँगा। हम हमेशा रेटिंग ऐसे करते हैं जब कैलकुलेट करते हैं। जब मैं जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो हम जनरल टर्म्स के अंदर बात कर रहे हैं, उसमें हम ये बात कर रहे हैं कि 51% में क्या हो रहा है। मैं आपको वो 51% बता रहा हूँ। अगेन सेइंग, आपको कल्चर चेंज करना है तो आपको न्यू इनटेक पे जाना होगा, बजाय इसके कि आप वो जो बिहेवियर चेंज के उसके अंदर जाएंगे जो कि एक बहुत टाइम टेकिंग और पेशेंस वाला काम है, उससे बेहतर है कि आप एक फ्रेश को लेके आएँ, उसको अपने कल्चर के मुताबिक ऊपर लेके आएँ। डिपेंड कर रहा होता है। आपने देखे कभी कि बिजनेस जो है वो सेम, किसी को देखे कोई दूसरा बता बिजनेस करता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो भी उतना ही कामयाब हो, सेम सारा कुछ वो करे। और इसकी एग्जांपल मैं इस तरह से देता हूँ कि आप में से कोई भी जो लोग जिनको चाय बनानी आती है ना, वो सेम यहाँ पे खड़े हो जाए 5 लोग और आके वो चाय बनाएं और हर चीज़ बराबर हो, आँच भी बराबर हो, उतनी हो बाकी लोगों से, पत्ती चीनी दूध हर चीज़ पानी सारा कुछ बराबर हो, उसका टेस्ट कुछ और होगा। ये कुछ बातें आती हैं आपको, वो जो ऊपर तय हुई हुई है वो बरकत और वो सारा कुछ जो है वो वहाँ से डिसाइड होना है। हमारा काम कोशिश करना है, डीमोटिवेट होना नहीं है, हमें कोशिश का मिलना है, कोशिश करते रहेंगे वो उसके अंदर आ जाएगा। तो इसलिए वो जो वो मैं अगेन कह रहा हूँ कि हमारे मैनेजमेंट के अंदर वो फार्मूलाज नहीं है 2+2=4 जी बस ठीक है। आपको टेस्ट करना पड़ता है, देखना पड़ता है कौन सी चीज़ चल रही है कौन सी चीज़ नहीं चल रही, उसके बाद आप जाके जो है वो उसके अंदर आपका अच्छा। निगोसिएशन में नाकामी की वजह क्या होती है? हम उसके अच्छा हम एक ठीक है, एक चीज ये है कि हम पर्सपेक्टिव नहीं देख रहे होते, एक लिस्टिंग दूसरा एम्पैथी। ओके ठीक है, एक परसेप्शंस प्री परसेप्शंस जो होते हैं आपने किसी के बारे में, परसेप्शन तो परसेप्शन है, प्री परसेप्शन क्या होती है? पहले से ही आपने एक चीज है स्टार्ट से वो चल रही है और बाद में चेंज भी नहीं हुई ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द एम्प्लॉइज लाइफ साइकिल विद द कंपनी, वैसे परसेप्शन फ्लेक्सिबल होनी चाहिए ना, बदल जानी चाहिए। कल मैं आप लोगों को कम्युनिकेशन बढ़ेगी, कम्युनिकेशन बढ़ेगी ना, वही हम उस पर कम्युनिकेशन पे हम आ गए हैं। यानी ये सारी जो ये जो तीन चीजें हमारी हैं ना ये सारी इंटरलिंक्ड हैं आपस में। टीम वर्क भी तभी बनेगा जब कम्युनिकेशन होगी, जब निगोसिएशन होगी। मैं टीम के अंदर क्या परफॉर्म करूंगा, आप भी वही परफॉर्म करना चाह रहे हैं,
तो किस चीज से हल होगा? कम्युनिकेशन और निगोशिएशन से। ऐसी है? मैं अगर इसको कहूं कि इंटरेक्शन होना भी, आप भी वैसे फैसल के करीब करीब ही हैं। अच्छा हाँ बताएं। इंटरेक्शन जो है दो लोगों का इंटरेक्शन है और आपने उसको करीब से देख लिया है, आपकी डायरेक्ट गूगल कम्युनिकेशन नहीं है, तो उससे भी वो जो परसेप्शन पहले बनी हुई थी वो चेंज हो सकती। परसेप्शन चेंज करनी चाहिए। हम एक बड़ा गलत फिक्रा बोलते हैं और वो फिक्रा ये है कि जी फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। पहले इंप्रेशन तो आप मैनिपुलेट कर लें, प्रिटेंड कर लें। सर आपका मेरा 6 घंटे का वो है सेशन है, तो मैं प्रिटेंड 6 घंटे नहीं कर सकता। देखिए हमारे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम बचपन से सीखते चले आ रहे हैं और हमें ये मुझे दिखाइएगा, और हमें ये लगता है कि जहाज़ यही हो सकता है जबकि ये जहाज नहीं है। सर आप तो बेहतर मेरे से बता सकते हैं क्या ये जहाज है। हम जब आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग कहते हैं तो वो यही चीज़ है हमारे। हम जब परसेप्शन चेंज करने की बात करते हैं तो वो यही चीज़ है। हम जब चेंज मैनेजमेंट की बात करते हैं तो वो यही चीज़ है। ये सारी चीज़ें इससे लिंक कर रही हैं आपकी इस एक्टिविटी से। वो कैसे लिंक कर रही हैं? वो इस तरह से लिंक कर रही हैं, मेरा परसेप्शन है कि ये जहाज़ है, बचपन में मैंने ये बनाया था और मुझे लगता है आज तक ये जहाज़ है। किसी भी एग्जांपल पे आप ये रख के देख लें, आपको समझ आ जाएगी कि आपके जो कंसेप्ट्स हैं जो आपके चाइल्डहुड के अंदर आपके वो ख़राब हुए हैं, वो आज के दिन तक ख़राब है और उसको आप ठीक करना नहीं चाह रहे। दूसरा है चेंज। मुझे लगता है कि इसको चेंज करूँगा तो लोग क्या कहेंगे कि ये इसने कैसा जहाज़ बनाया है। मेरा मकसद तो जीतना था, मेरा मकसद इसको मैं जहाज़ तो साबित नहीं कर सकता। मैं तो ये भी कह रहा हूँ ये जहाज़ है, ठीक है। आप अपने जहाज़ को साबित कर देंगे जब, फिर मैं इसकी तरफ आऊँगा कि मैंने इसको कैसे साबित किया। वरना हम एक ही ग्राउंड पे हैं। आपको 5 मिनट लगे, मुझे 5 सेकंड लगे जहाज़ बनाते हुए। आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस, चीज़ों के सॉल्यूशन। सर आप उसी पे लगे हुए हैं। तो सर ये जो चीज़ थी इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमारे जो कंसेप्ट्स हैं उनको हमें चेंज करने की ज़रूरत है, हमें आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करने की ज़रूरत है, और हमें अगेन अगर जीतना है तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हम एक ओवरबर्डनड होके हम चलें। हाँ वो तो पहली बात है कि हमने दूसरे को हराना नहीं है, ओवरबर्डनड होके हम चलें ऐसा नहीं है। और उसके साथ साथ ये है कि हम स्मार्ट काम किस तरह से कर सकते हैं, हमने वो चीज़ देखनी है। हमने ये जो मिथ्स बने हुए हैं इन मिथ्स को तोड़ना है, तो बाकी चीज़ें खुद ब खुद ठीक होती चली जाएंगी। जितना ज़्यादा कम्युनिकेट करेंगे उतना ज़्यादा आप, क्योंकि ज़्यादातर लोग एचआर के हैं तो एचआर का तो रोल ही जो मेजर रोल है वो कम्युनिकेशन का, क्योंकि आपने ग्रीवियंस हैंडल करना है, आपने कॉन्फ्लिक्ट मैनेज करना है, आपने उनको जॉब ऑफर करनी है, आपने उनसे निगोशिएशन करनी है, आपने उनसे उनकी जॉब से उनको निकालना है, आपने उनको प्रमोशन देनी है, ये सारा कुछ आपने करना है। जी अब 2 मिनट आखिरी में आपसे बात करूंगा और उससे पहले 5 मिनट कोई आपके सवाल कोई कुछ चीज़ अगर आपकी है तो प्लीज़। हमारी जो सर ये जो आप कह रहे हैं रेजिस्टेंस, ये भी आपकी परसेप्शन है। इस परसेप्शन को खत्म करके देखें रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। अगर आप आपकी जो डायरेक्शन है वो ठीक है तो नहीं बॉदर करना। हम जब हम मज़हब की बात करते हैं, मुझे नहीं पता सारे मुसलमान हैं, हो सकता है कोई और किसी रिलीजन से भी हो, हम किसी भी मज़हब की बात कर लें, वो अच्छाई की बात करता है, बुराई से रोकता है वो। मैं मुसलमान हूँ इसलिए चले मैं मुसलमान की एग्जांपल दे देता हूँ कि जब मुझे ये पता है कि मैं सीधे रास्ते पर जा रहा हूँ ना, तो फिर मुझे उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये सोचने की ज़रूरत नहीं कि ये मेरे बारे में क्या कह रही हैं, ये मेरे बारे में क्या कह रही हैं, वो मेरे बारे में क्या कह रही हैं।
तब हम वो जो आप कह रहे हैं ना आउट ऑफ द बॉक्स, और वो मोस्टली परसेप्शन, बहुत सी चीज़ें हमारी क्यों ख़राब होती हैं, हम ओवर थिंकिंग करते हैं. एक इशू आता है, उस इशू को लेके हम खुद से सोचना शुरू, इस पे ये कहेगा, इस पे वो कहेगा, इसकी वो चेन इतनी टॉक्सिक बना लेते हैं हम अपने जेहन के अंदर. होता कुछ भी नहीं है, मोस्टली होता कुछ भी नहीं है, लेकिन वो इतनी ओवर थिंकिंग कर लेते हैं हम कि हमें वो जॉब मुश्किल लगने लग जाती है, कि पता नहीं ये अब क्या कहेंगे मुझे, इसके ऊपर बताऊँ ना बताऊँ, क्या मतलब छुपाने वाली तो कोई बात ही नहीं है, सच बोलूँ झूठ बोलूँ, झूठ बोलने वाली तो कोई बात ही नहीं है. तो वो हमारे परसेप्शंस भी होते हैं ओवर थिंकिंग की वजह से. और कोई चीज़ सर, इसको कैसे आउट ऑफ द बॉक्स की जो थिंकिंग है इसको कैसे स्टार्ट किया जाए, इससे कैसे इसको हम कैसे अपनी जिंदगी में प्रैक्टिस कर सकते हैं. एग्जांपल दिया आपको मैंने, और वो एग्जांपल यही है कि जो परसेप्शंस है ना, सबसे पहले उन परसेप्शंस को तोड़ें, राइट एंड रॉन्ग के ऊपर जाके ये देखिए और डिफरेंट ऑप्शंस पे जाएं. प्रॉब्लम किसे कहते हैं हम सर, जहाँ पे आपके पास ऑप्शंस होते हैं ना वो प्रॉब्लम होता है. प्रॉब्लम है किसी और चीज़ से ताल्लुक नहीं है, प्रॉब्लम का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन से है. मैंने जिंदा रहना है, मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, ये प्रॉब्लम नहीं है. ये तो वो उसी को ऑप्शन कह रहा हूँ ना मैं. बेसिकली डिसीजन मेकिंग किसे कहते हैं, डिसीजन मेकिंग किस पे होती है, डिसीजन मेकिंग होती है प्रॉब्लम पे. और प्रॉब्लम कब आती है, प्रॉब्लम जब आती है जब आपके पास 3-4-5 ऑप्शन होते हैं, उसमें से डिसाइड नहीं हो रहा होता. अगर आपके पास ऑप्शन ही नहीं है तो दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम, डिसीजन मेकिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है. मैं आपकी प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ कि प्रॉब्लम उस चीज़ को कहते हैं जहाँ पे आपके पास ऑप्शन होते हैं. वो ऑप्शन जो आप जो जब जिनको आप कह रहे हैं ना कि ऑप्शन बनाएं, वो भी ऑप्शन ही है ना. थैंक यू सो मच, आप लोगों का शुक्रिया. आप लोग जितने भी सोशल पोर्टल्स हैं वहाँ पे उसामा तैयब के नाम से ऑलमोस्ट सब जगहों पे वो है, OSAMATAYYAB. यही मेरा ईमेल आईडी भी है, अगर कभी किसी किस्म का कोई रबते की ज़रूरत पड़ती है तो usamatayyab@gmail, इस पर आप जो है वो रबता भी कर सकते हैं. और इट वॉज़ अ गुड सेशन फ्राम योर साइड.